सवाल ये है कि आज मैं यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने यहाँ खड़े होके ये शुरुआत कर पा रहा हूँ। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। महाराष्ट्र हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। आगे बढ़ो। नफरत छोड़ो और डरो मत आर दी टू सिंगुलर फोकल पॉइंट्स फॉर विच वी हैव जॉइंड। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। मैं 13-14 दिन आपकी सड़कों पे चला हूँ और लाखों लोगों से मिला हूँ। युवाओं ने अपने सपने मेरे सामने रखे, किसानों ने अपना दर्द मेरे सामने रखा। जो मेरी राजनीतिक समझ थी महाराष्ट्र के बारे में, किसानों के बारे में, वो आपने बदल दी, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं इस सफर को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा।